मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के अंतर्गत ग्राम डेयरी आमढाना में रोड की समस्या है। इस डेयरी आमढाना में 600 आबादी है और यह समस्या 40 वर्षों से बनी रही है। तो यहाँ परेशानी ये है सर कि यहाँ पे बच्चे लोग कोई बीमार हो गया या कोई बूढ़े या कोई हम बीमार पड़ जाते हैं तो ये रोड से आने जाने के लिए बहुत दिक्कत होता है। यहाँ डॉक्टर लोग को बुलाते हैं तो डॉक्टर लोग भी मना कर देते हैं कि हम लोग वो रोड पे नहीं आएंगे क्योंकि चिकल है, आप लोग यहीं पे आओ तो हम इलाज करेंगे, ऐसा करके बोलते हैं उन लोग। तो हम लोग क्या किया जाए? इस रोड में कितने दिन से आप परेशान से? अरे तो बहुत साल हो गया भैया, 5-6 साल हो गया लगातार में। आपने पहले तो लगाया था, बनाया था सरपंच साहब ने, बड़ा बड़ा पत्थर डाल दिया, बस उसमें ये चल रहा गाड़ी घोड़ा। हम खेती जाने वाला इधर से जा रहे हैं तो हमको तो बहुत परेशान हो रहा है। इस मोहल्ले में आपका कितना मकान है? इस मोहल्ले में 20 एक मकान होगा। तो 20 मकान वालों को ये परेशानी हो रहा है? भयंकर परेशान हो भैया इसके लिए। अभी तुम्हारे बच्चे स्कूल जाते तो कौन? स्कूल जाने से बच्चे लोग भी बहुत परेशान है। यहाँ नदी बाढ़ जा रहा है, यहाँ पुलिया चाहिए हम लोगों को। तो भैया अब रोड बन गया है? हाँ बन गया। और उस रोड बनाने के लिए क्या क्या किया तुमने? क्या करेंगे वो, यहाँ पे थोड़ा बहुत सरपंच वो था और पंच लोग था और ये वीडियो बनाने वाला भैया था, तो इनने क्या क्या प्रस्ताव बनाया? तो उसने वो प्रस्ताव बनाया और रोड बनने से हमारा बहुत फायदा हुआ। बारिश में और रात में बड़ा दिक्कत होता था, चिकल पानी में थोड़ा सा उसमें आराम हो गया अब रोड बनने से। अब इस रोड से तुम्हारे बच्चे आना जाना अच्छा करते हैं? हाँ इस रोड से आना जाना करते हैं, ठीक है अभी तो। इसको बनाने के लिए क्या क्या प्रयास किया आप? अरे हम लोग प्रस्ताव पारित किए पंचायत में और उसको सेक्शन कराया और फिर बनाया उसको जैसे तैसे उधर से सेक्शन हुआ। तो मोहन भैया ने मदद किया हमारा। हाँ उसने आके वीडियो बना के ले गया तो उसका ही हाथ है और क्या। तो अब बन गया तब उसमें थोड़ा सा आपके गांव वालों को राहत मिला? बहुत राहत मिला। ग्राम के लोगों के साथ में संघर्ष करते हुए मैंने इस मुद्दे से सफल पाया हूँ और मैंने इस वीडियो का बदलाव लाया हूँ। मैं मोहनलाल, मध्य प्रदेश से, इंडिया 100 के लिए।